हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्टिविटी टू करेंगे लेसन नंबर सिक्स डिवीजन की। क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन नंबर वन है आप बुक में करोगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब जैसे ये चीज़ आप बच्चों को पता होना चाहिए, जब भी हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं ना और ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर, मतलब जैसे वन के साथ हम इस नंबर को डिवाइड किया तो वो सेम ही आ जाता है। अब हम ज़ीरो के साथ डिवाइड करेंगे ना इसको तो वो ज़ीरो ही आंसर आएगा। जैसे मैंने ये वन के साथ इसको डिवाइड किया तो आंसर आपका सेम ही आएगा 928। अब जैसे इसको ज़ीरो के साथ करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ओके, जब मैं इसको कहते यहाँ वन कैसे आया, जब हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं ना, जैसे 235, जब हम दोनों सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको उसका आंसर हमारा आता है वन। ये देखो, यहाँ हमने दोनों सेम नंबर को डिवाइड किया तो इसका आंसर क्या आएगा, वन। कहते वन के साथ हमने क्या डिवाइड किया, हमारा आंसर 888 है। तो सेम आंसर हमने, मैंने इसमें बताया था ना आपको कि वन के साथ उसी नंबर को डिवाइड, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं सेम ही आंसर आता है। तो आंसर सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा क्योंकि हम वन के साथ डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो आंसर यही आएगा 888। ज़ीरो के साथ डिवाइड करो, यहाँ ज़ीरो आंसर बन रहा था, मतलब किसके साथ डिवाइड किया है, ज़ीरो। याद रखना, वन के साथ डिवाइड कर तो सेम आंसर, सेम सेम डिवाइड करेंगे तो वन आंसर। और ये आंसर आ गया, कहते किस नंबर को वन के साथ, तो सेम नंबर को ही वन के साथ डिवाइड किया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। इसमें ध्यान रख लो एक चीज़, यहाँ लिखा है ना डिवाइड एंड देन चेक वेदर डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आपने एंड से लेकर ये सारी लाइन कट कर देनी है, ठीक है। एंड से के बाद ये सारी लाइन कट कर दें क्योंकि आपने सिर्फ डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में। तो मैंने बी और सी सर्कल किया, तो बी ही सी आपने फेयर नोटबुक पर करना है। बाकी ये जो टू पार्ट्स रहेंगे ना ए एंड डी, ये आप रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करोगे। ये देखो, इस तरह से आपने ऐसे हेडिंग डेट डे क्लास वर्क एक्टिविटी टू पेज नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर टू डिवाइड, इतनी हेडिंग। ये बी पार्ट है 617 डिवाइड बाई 7। अब सिक्स मैंने आपको समझाया था ना, सिक्स अंदर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से, तो ये छोटा है, हम कितने डिजिट देखेंगे 61। अब 61 बड़ा ना बाहर वाले से, तो अब हम 61 लेकर चलेंगे। अब 61 तो आता नहीं 7 के टेबल में, 61 से छोटा क्या आता है 7 के टेबल में, 56। कब आता है वो, 7 नहीं चा 56। यहाँ वन से नहीं कटेगा, वन बोरो लिया 11 या 5, 11 के साथ 6 कट गया 5 आ गई, 5 के साथ 5 कट के क्रॉस लगा दिया। अब इसके साथ क्या ले लेंगे 7, 57। फिर 8 के साथ करेंगे 7 8 56। ये आपका क्या बच गया, रिमाइंडर। और ये क्या बच गया, क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करोगे, सी पार्ट 299 डिवाइड बाय 6। 290 को अंदर, 6 को बाहर। अब पहला फर्स्ट डिजिट देखा तो मैंने पीछे समझाया कि अंदर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से, लेकिन 2 तो छोटा है, हम कितने डिजिट देखेंगे 29 तो बढ़ेंगे ना बाहर वाले से, हम 2 डिजिट लेकर चलेंगे। अब 29 तो आता नहीं 6 के टेबल में, तो 6 के टेबल में 29 से छोटा क्या था, 24। वो कब आता है, 6 4 जा 24। 9 में से 4 माइनस किए 5, 2 में से 2 क्रॉस। ओके, फिर 9 को नीचे ले लेंगे। अब 59 तो आता नहीं 6 के टेबल में, 59 से छोटा क्या आता है 54। वो कब आता है, 6 9 जा 54। 9 में से 4 माइनस किया 5, 5 से 5 कट हो गया। ये आपका क्या है, रिमाइंडर। ये आपका क्या है, क्वेश्चन। ओके, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। पिक तो साथ साथ में ही मैं सेंड कर रही हूँ।